दोस्तों, राजस्थान और दिल्ली के बीच मुकाबले में बड़ा ड्रामा देखने को मिला। दिल्ली के ऋषभ पंत और रिकी पोंटिंग ने रोक दिया मैच और किया ड्रामा। जी हां दोस्तों, दिल्ली और राजस्थान के बीच खेले जा रहे मैच में हमें एक ड्रामा देखने को मिला। दरअसल जब दूसरी पारी की शुरुआत हुई और राजस्थान की टीम फील्डिंग करने उतरी तो दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत और कोच रिकी पोंटिंग एक चीज से नाखुश दिखे। मैच शुरू हो चुका था और राजस्थान ने दो बॉल डाल भी दी थी, लेकिन पंत और पोंटिंग ने बीच में ही मैच को रोका दिया। दरअसल राजस्थान की टीम सिर्फ 3 विदेशी प्लेयर के साथ मैदान में उतरी थी और दिल्ली को लगा कि 4 विदेशी प्लेयर का रहना जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं है दोस्तों। और अंपायर ने उन्हें आकर यही बात समझा रहे थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली की टीम मान नहीं रही थी। दोस्तों, मैच में रुकआउट देखने को मिली, लेकिन इस तरह की असमंजस की स्थिति और इस तरह की परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। आप कोच हैं, कप्तान हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए और नियमों का पता होना चाहिए। दोस्तों, आप इस वाक्य पर क्या कहेंगे, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।